हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। कल हमने थर्ड क्लास का चैप्टर रीड किया था, लेसन इन काइंडनेस। आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। हर क्वेश्चन को एक छोटे से रूप में इनका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर रॉय डूइंग इन हिज रूम। मिस्टर रॉय एक पर्सन थे, वो अपने कमरे में क्या कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि वो एक अखबार पढ़ रहे थे, तो क्या आएगा यहाँ पर, मिस्टर रॉय वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर इन हिज रूम। सेकेंड है, हाउ वाज द बॉय होल्डिंग हिज बैग। लड़के ने अपना जो बैग है वो किस प्रकार पकड़ा हुआ था। द बॉय वाज होल्डिंग द बैग इन ऑन द शोल्डर, अपने कंधों पर टांगा हुआ था, तो क्या आएगा, द बॉय वाज होल्डिंग हिज बैग ऑन द शोल्डर। थर्ड है, व्हाट डिड द बॉय टेक आउट ऑफ हिज बैग। टेक आउट निकालना, लड़के ने अपने बैग से क्या निकाला। द बॉय टुक आउट ए सैंडविच ऑफ हिज बैग, सैंडविच निकाला था, तो क्या आएगा, ए सैंडविच ऑफ हिज बैग। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग डू, कुत्ते ने क्या किया। व्हेन द बॉय शोव्ड इट हिज सैंडविच, जब उसने उसे, लड़के ने उसको अपना सैंडविच दिखाया, तो उसने क्या किया। द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल, कुत्ते ने पूंछ हिलानी शुरू कर दी थी, तो क्या आएगा, द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय डू टू द लिटिल डॉग, लड़के ने उस छोटे कुत्ते के साथ क्या किया। द बॉय गेव ए हार्ड किक इन इट्स बैली, इसके जो पेट में जोर से क्या मारी, लात। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मिस्टर रॉय कम आउट इन द स्ट्रीट, जो मिस्टर रॉय है वो गली में बाहर क्यों आए थे, क्योंकि उस लड़के को वो सबक सिखाना चाहते थे। टू टीच द बॉय ए लेसन इन काइंडनेस। सेवेंथ, व्हाट डिड मिस्टर रॉय गिव टू द बॉय, मिस्टर रॉय ने लड़के को क्या दिया। मिस्टर रॉय गेव ए शार्प ब्लो टू द बॉय, लड़के के ऊपर एक जोर का प्रहार मारा था एक अपनी छड़ी से, तो क्या आएगा, मिस्टर रॉय गेव ए शार्प ब्लो विद हिज स्टिक टू द बॉय। एट्थ, व्हाट प्रॉमिस डिड द बॉय मेक टू मिस्टर रॉय, लड़के ने मिस्टर रॉय से क्या वादा किया था। द बॉय मेड प्रॉमिस टू मिस्टर रॉय टू नॉट टू टीज द लिटल एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि वो कभी भी छोटे जो जीव जंतु और पशु पक्षी है उनको कभी भी नहीं चिढ़ाएगा। अब यहाँ पर दिए गए हैं, मैच द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, हमें अब जो वर्ड्स दिए गए इनको मैच करके क्या बनाने हैं सेंटेंस। ए डॉग हिट्स क्राइज ड्राइज येल्प्स किक्स हिसेस कैरी स्टिचेस, डॉग क्या करता है, येल्प्स कराता है, दर्द से चीखता है। ए बेबी, बेबी क्या करता है, रोता है, बेबी क्राइज, क्राइज मतलब रोना। ए टॉवल, तौलिया क्या है, धूप में सूखता है, सूखने को क्या कहते हैं, ड्राई, ड्राइज, ए टॉवल ड्राइज। ए स्नेक, स्नेक है वो सन सन की आवाज़ करके आता है, उसको बोलते हैं हिसिस, ए स्नेक हिसिस। ए पोर्टर, पोर्टर पुली क्या करता है, सामान उठाता है, तो क्या बोलेंगे, कैरीज, ए पोर्टर कैरीज। ए टीचर, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, ए टीचर टीचिस। ए क्रिकेटर, क्रिकेटर क्या करता है, शॉट को मारता है, बॉल को हिट करता है, ए क्रिकेटर हिट्स, हिट्स पे आप मैच करोगे इन दोनों को। ए फुटबॉलर, फुटबॉलर क्या करता है, किक्स करता है फुटबॉल को, तो क्या आएगा, ए फुटबॉलर किक्स। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। यहाँ पर, यहाँ आपकी एक्टिविटी दी गई है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्टार्ट एट द माउस, यहाँ माउस दिया गया, हमें इससे स्टार्ट करना है। ड्राई लाइन फ्रॉम द माउस टू द एलिफेंट, हमें माउस, एलिफेंट कहाँ है, ये रहा एलिफेंट, ये माउस है, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक एक लाइन बनानी है। टच ओनली द एनिमल्स, लेकिन उस लाइन में सिर्फ हमें किसको टच करना है, सिर्फ एनिमल्स को। जैसे फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, इसमें क्या है, जो माउस है वो एनिमल है। सेकेंड लाइन में देखिए आप क्या है, कंगारू वो एनिमल है। थर्ड लाइन में क्या है, राइनोसोर्स ये एनिमल है। फोर्थ लाइन में क्या है, रैबिट ये एनिमल है, और डॉग ये दोनों एनिमल है। फिफ्थ लाइन में क्या है, पिग ये एनिमल है। सिक्स्थ लाइन में क्या है, एलिफेंट ये एनिमल है। आपको इन सभी को मिलाते हुए एक लाइन बनानी है, जैसे इस तरह ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक आ गई, आपको सिर्फ इसमें एनिमल्स को मिलाना। तो हमारी एक्टिविटी हुई यहाँ क्लोज, आप इस एक्टिविटी को करके देखिए, और आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।